हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल और ये जो डिजाइनर ब्लाउज आपको दिख रहा है ये मैं बताने वाली हूँ, सॉरी बता चुकी हूँ अपने सेकंड चैनल पे प्रीति तिवारी 2 जिसका नेम है। तो प्लीज़ जाके जल्दी से चेकआउट कर लीजिए और ये स्टाइलिश सा खूबसूरत सा ब्लाउज आप रेडी कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बना लोगे। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले मैं लाइनर लगाना बता देती हूँ आपको। लाइनर लगाने के लिए मैं ये वाला लाइनर ले रखा है मैंने, व्हाइट सिया का ये आईलाइनर मैंने दुकान से लिया था, तो इसकी लिंक मैं आपको नहीं दे सकती। जब भी आप सेल्फ आईलाइनर लगाते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना होता है और इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है। इतना लगा लो, कभी भी स्टार्टिंग से या लास्ट पॉइंट से स्टार्ट मत कीजिए, उससे आपकी आईलाइनर जो है वो बिगड़ सकती है। तो आपको बीच में पहले एक डॉट लगा देंगे, फिर इनर कॉर्नर से इसमें मिक्स कर देना, फिर जो आपको साइड का लिंक बनाना है इस तरीके से निकालना है और फिर इसको लाके सेंटर वाले में मिक्स कर दोगे। इससे आपकी जो लाइनर होती है वो परफेक्ट लगेगी और बिगड़ता नहीं होगी। इस तरीके से आपको लगाना है। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सेंटर में इस तरीके से करके आपको बहुत ही आसानी से और खूबसूरत तरीके से आप खुद से सेल्फ आईलाइनर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको आईलाइनर लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको सेल्फ आईलाइनर लगाने में हेल्प मिली हो ये वाला वीडियो देखने के बाद। लो वाटर लाइन पर भी अगर आपको काजल नहीं लगाना है तो लो वाटर लाइन पर इस तरीके से आईलाइनर को लगा दीजिएगा। इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की तरफ आईलाइनर को लगाना है, इससे आपका जो लुक होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहो तो स्टार्टिंग पॉइंट से भी आईलाइनर को आउटलाइनर तक, सॉरी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक मिक्स कर सकते हो। इतना लगाने के बाद अगर आप काजल अप्लाई करते हो तो आपका काजल भी नहीं फैलेगा। ओके, तो ये विंग्स मेरी इस विंग्स के हिसाब से मोटी लग रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने नेल्स की मदद से इस तरीके से कर दूँगी जिससे कि जो मेरी विंग्स है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। तो ये था आज का टिप्स। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक लगाते टाइम कई लोग क्या करते हैं, सिंपली नीचे वाले लिप्स पे अपनी लिपस्टिक अप्लाई किया। ओके, ये लेकिन सही नहीं है। आपको इस तरीके से अपने अपर साइड में भी लिपस्टिक लगानी चाहिए, इससे आपका जो लिप्स का शेप है वो प्रॉपर आता है। Oh,
Thank you.